नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। हेलो भैया, सूरज को कछु पता लगो का? ना बेना, पर तू इतनी परेशान क्यों है रही है? वो यहाँ पे आवेगा तो मैं तुमको फोन कर ही दूंगा। चिंता मत कर। भंगी ससुरो इतना नुकसान करेगा मैंने कतई नहीं सोचो। सुनो, कहा है कितनी दफा तुझसे कही, जब जरूरी बात कर रहे हो तो बीच में मत बोला कर। बोल, कहा है? मेरी बाएं आंख सुबह से फड़क रही है, पता नहीं कान होने होने वाली। अब कान होने बाकी रह गई तो ये तो ना बात बात में हमें परेशान करवे को मौका चाहिए। आंख पे नीम की पत्ती धर ले, बात कर रही है। करना क्या है? मुझे तो लगा है एक बार भक्की से बात करें, हो सके थोड़ा नरम पड़ गए हो। सही कह रहे हैं भैया, वैसे भी हम अच्छे बुरे वक्त के साथी तो हैं। हाँ, बात तो ठीक है पर कुछ समझ नहीं आ रही। होटल लिस्ट तो लेके आ, अरे देखे तो सही। कौन है वहां? तो अपने को मिल जाएंगे। ये देख लो, अबे कोई ना है। भग्गी वापस आ जाए तो बात बन। नहीं आएगा, एक बात अपने भेजे में बिठा लो, हमें घर घर जाके वोट मांगने पड़ेंगे। पांच वोट हो या 500, वो तो कर ही रहे हैं दद्दा। कौन है वहां? कछु बोलो तो सही, कौन है? हाँ मैं हूँ। तो अभी कैसा आगो? चुनाव तक वहीं रुक की गई थी ना मैंने। उल्टी दस्त हो रहे हैं मुझे, जितने फैसले खत्म हो गए। रुक कर, मैं तो जानू नहीं हूँ का? वैसे फर्क का पड़ गया, मेरे गांव में नहीं रह से। अच्छा,
तो तुम्हें सब पता है दद्दा, या कुछ सब पता है। अब तू मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर तू पटेलन छोरी से मिलो तो मैं तेरी टांगे तोड़ डालूंगा। शहजादे से पहले कही थी मैंने मां से, मैं मिश्री से ही शादी करूंगा। अरे अरे रोको लखन को, बाप के सामने ऐसी बात करेगी तेरी हिम्मत की चोरी। बाबू तू बीच में ना पड़, आज फैसला हो ही जान दे। आखिर चावे का ही शादी तो मैं उसी से करूंगा था, चाहे तू माने या नहीं माने। मन चला को, मन चला को, मन चला को मेरे सामने, मन चला को। आज तू शादी करके तो दिखा। देख तेरी कागज पर आता हूँ मैं, तुम दोनों को जमीन के अंदर नहीं काट दिया ना, मैं तेरा बाप नहीं। मैं कोई उम्मीद भी नहीं है कसाई से। कहाँ पड़बड़ कर रहा है, जरा खुल के बोल, क्या बोल रहा है? सुन ले साहब साहब, शादी करूंगा तो मिस्त्री से करूंगा, चाहे कुछ भी कर ले। और तेरी सरपंच कल बाहर में जाती है ना तो आज जा। भास्कर लखन आपका धक्का दियो चला लार का। अरे भास्कर लखन तू गाड़ी देखो तू बाप को दे दे और आज सब कसम लगा रहा भास्कर लखन। सूरज अंदर लेके चलो। जा आ रहा हूं। अरे चकले दो मिनट, आ रहा हूं यार। अरे उम्मीद तू क्या कर रहा है सुबह यहाँ? छोटू सूरज खत्म है को कहा पक रहा है तू? दिमाग तो ठीक है तेरा? मैं सच कह रहा हूँ छोटू, भाई संसान भी ले गए। ये सब कैसे है गो भैया? हमें तो पता भी नहीं चलो ये शहर से कब वापस आयो। दयाल जब
दिशा मैदान को गए हो तो हम तो अनाज मंडी गए थे वो किशन सेठ के हिसाब करवे को, तो वहीं पे मिल गो हमको। ये तो है कि बीमार बहुत ज़्यादा हो। अब मैं समझो कि भग्गी दादो तेरे दुश्मन क्यों बनो पड़ा। लेकिन सूरज तेरे यहाँ आवाज सुबह गांव में कछु ना बदलो, बता रहा हूँ मैं तो। और तेरी तबीयत ना मोहू ठीक ना लग रही है। मैं ठीक हूँ छोटू, है ना? कहाँ ठीक है यार, हालत देखा की मेरी बात मान तो। और अपन अरे अरे बैठ जा। अरे बैठ एक मिनट। ले सूरज ले गांव आ गए, यहीं उतर जाए। मैं चला जाऊंगा यहाँ से छोटू, तुम दोनों ताजपुर उतर जाइयो। वैसे बापू घर तो ज्यादा दूर ना हो तो फिर ऐसा कहा है गो रास्ता में? ये सब में पूर्णाराम की कोई चाल है, असल बात पे पर्दो डालबे की साजिश हो रही है। मुझे तो लगे है छोरन को मारो गो है। वाकू कौन मारेगा? लेकिन वाके शरीर में तो कोई निशान भी ना थे। तो निशान किसने देखो है? है? और तुरंत फुरंत जलाने की का जरूरत? मान लिए पुलिस को झमेलो है तो डॉक्टर को तो दिखाते। डॉक्टर यहाँ जिंदा मरीजन को डॉक्टर ना है, और तुम्हें लाश के लिए डॉक्टर चाहिए। बताओ चल कर रहो जहाँ पे मेरा भांजो खत्म है गो, ऊपर खबर करवे को फुर्सत ना मिली का हुए? अरे तिये की बैठक की सूचना वो दूसरे ते मिली है, और जेका सुन रहा हूँ मैं कि कसाई को का चक्कर है। जीजाजी बता रहे जो पीपल वारे कसाई ने मारो सूरज। भैया सब झूठ है, बकवास है, अपने कुकर्मर पे पर्दा डालवे को नाटक है सब। सूरज की हत्या खुद उसके बाप ने की है। देख देख सब ठीक है जाएगा बहना, तू चिंता मत कर, सब ठीक है जाएगा। प्रियो हरी बात का यकीन कर, तुम्हारो जीजा ही हत्यारो है अपने बेटे को। मेरी आंखों के सामने जान ली है सूरज की उन्हें। तुम्हारो
जीत जा। क्या वो आराम की जरूरत है भाया? बेटे के गम में बावली हो गई है तेरी बहन, अपने होश में नहीं, उसके कहे पर ध्यान मत दीजिए। ये सब इतना अचानक हुआ, हम किसी को खबर भी नहीं कर पाए। बेचारी गुलाबी, उसकी चिंता तू मत कर, बखत रहते सब ठीक हो जाएगा। और कह रहे भैरू, तेने रोटी वोटी खाई कि नहीं? बहन के घर कैसे रोटी खाऊंगा जिया जी, और फिर रात होने से पहले घर पहुंचना है, फिर आऊंगा मैं। चल तू। क्या कर रही थी तू? सबको जेल भेजना का? अपने होश संभाल, सूरज की मौत एक हादसो थो हादसो, अरे होनी को कोई टाल सकेगा? दोबारा ये नहीं होना चाहिए, समझ गई? असली कसाई नहीं बचे हो, अपने कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ेगा।